हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के जरिए हम बात करेंगे सीएम योगी पर भर के पूर्व नौसेना प्रमुख बोले सेना देश की है, मोदी की बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है। रामदास ने कहा है कि देश के सैन्य बल किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से कई पूर्व और सेवारत सैनिक नाराज है। रामदास ने कहा, सैन्य बल किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, ये देश की सेवा करते हैं। चुनाव होने तक मुख्य चुनाव आयुक्त ही बॉस है। मैं इस संबंध में शिकायत के लिए चुनाव आयोग जा रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग ने भी योगी के बयान पर खेद जताते हुए कहा है कि ये हैरान करने वाली टिप्पणी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में कई नेताओं ने इस तरह की टिप्पणी करते हुए राष्ट्रवाद को सैन्य बलों से जोड़ने की कोशिश की है। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में रविवार को आयोजित एक चुनावी सभा में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए भारतीय सेना को मोदी जी की सेना करार दिया था। योगी के इस बयान के बाद देश के राजनीतिक हलकों में एक विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने योगी पर हमला बोलते हुए उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे ताजा खबरों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शब्बा खैर। माइंड द न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।